एक बार एक भेड़ चराने वाला, गडरिया जिसे बोलते हैं, भेड़ चरा रहा था जंगल में, और इसको वन में एक बहुत चमकीला सा कुछ पत्थर मिला। और आपको पता होगा, देखा होगा, जो गाय पालता है, जो बकरियां पालता है, अब सबका अपने अपने जीवों से प्रेम होता है। तो जैसे गाय वाले जो होते हैं अपनी गाय को सुंदर सजाते हैं, विशेष उत्सवों में सुंदर सजाते हैं, तो ऐसी भेड़ वाले अपनी बकरियों को भी सजाते हैं। तो उसकी जो सबसे प्यारी भेड़ थी ना, उसने सोचा कि इस पत्थर को अगर मैं अपनी प्यारी सी भेड़ के गले में बांध दूंगा तो कितनी अच्छी लगेगी, ये और सुंदर लगेगी। तो जो बकरी उसको, जो भेड़ बड़ी प्रिय थी, उस पत्थर में छेद किया उसने और धागा लगा के अपने गले में बांध दिया। और बस उसी में घंटी भी टिन 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 करते हुए बड़ी चमकती वो भेड़ के गले में वो पत्थर। तो इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए, वो जो पत्थर था चमकीला वो भेड़ के गले में ही पड़ा रहा। एक महीना दो महीना नहीं, अपितु लगभग 7-8 वर्ष बीत गए, वो पत्थर उसी के गले में था। एक दिन बस भेड़ चर रही थी, उसी के आगे से एक जौहरी जा रहा था, सुनार। और जौहरी ने जब देखा कि भेड़ के गले में राम राम, वो कोई पत्थर थोड़ा ही था, वो तो हीरा था। और तब तुरंत ढूंढा उसको, भेड़ चराने वाले को, और कहा कि ये क्या है इसके गले में। उसे सोचा कि इसको पता होगा, लेकिन उसको तो पता नहीं था। बोले, ये पत्थर बहुत चमक रहा था इसलिए मैंने भेड़ के गले में बांध दिया। अब इसने सोचा अगर बता दूंगा कि हीरा है तो फिर ये तो देने वाला नहीं। तब उसने कहा, ये कीमती पत्थर तू मुझे दे दे, इसके बदले में लाखों रुपया ले ले। और तब उसके दिमाग में आया कि ओहो, लाखों रुपए इस चमकीले पत्थर का ये देने के लिए तैयार है, इसका तात्पर्य ये अवश्य कुछ अमूल्य वस्तु है। इसने उसको तो मना करा दिया, बाद में जब परीक्षण कराया तो पता चला वो हीरा था। तो जो हीरा 7 साल पहले अगर इसको महात्मा मालूम हो जाता तो 7 साल पहले ही अरबपति खरबपति बन जाता। लेकिन देखो, इतना करोड़ों का हीरा अपने पास होने के बाद भी ये कैसा जीवन बिता रहा है, बिल्कुल सामान्य जीवन बिता रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी मंद है इसकी, इतना कीमती हीरा होने के बाद भी। लेकिन जब इसे पता चला, इसने बेचा, तो रातों रात क्या बन गया, अरबपति खरबपति बन गया। अब इसके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, अब ऐसा लगता है कि साक्षात महालक्ष्मी वैकुंठ का त्याग करके इसके घर में रहती हो। तो इससे हमको क्या समझना चाहिए, जब तक महिमा पता नहीं थी तब तक वो सामान्य पत्थर था, महिमा का ज्ञान हुआ तो फिर इसके दिन बदल गए। तो वैसे ही माताओं, जो ये भागवत है, ना समझने वाले के लिए हो सकता है चमकीला पत्थर हो, लेकिन जिसने इसको समझ लिया उसके लिए ये किसी हीरे से कम नहीं है। क्योंकि तो ये वो हीरा है, इसका हाथ जिसने पकड़ लिया उसका इस यह लोक भी सुधरता है, और जब इस संसार को छोड़कर विदा करे तो फिर उसका परलोक भी सुधरता है। और शास्त्र कहता है जीवन तो ऐसा ही जीना है कि यह लोक भी सुधरे और मरने के बाद दुर्गति ना हो, परलोक भी सुधर जाए।